बेटियों का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए वो भी कुछ करे। ये कर रहा तू? इतनी देर ऐसा मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है। अभी आया है मम्मी पर। सकल ऐसी ठीक आती है अभी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे 29th of July और परसों है तीज का फेस्टिवल, हरियाली तीज है संडे को। और आज मेरा भाई आ रहा है, छोटा वाला भाई, तीज का जो त्यौहार होता है वो सब लेकर, जो जो चीज़ें मतलब बेटियाँ भेजी जाती हैं हम लोगों में ना, बेटियाँ हर फेस्टिवल पर कुछ कुछ सामान, कपड़े वगैरह और राशन पानी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भेजी जाती हैं। सो आज वही मेरा भाई लेकर आ रहा है। इतनी अजीब सी चीज़ है ना कि बेटी के लिए हमेशा माँ बाप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जब से मतलब बेटी पैदा होती है। इवन शादी के बाद भी हमेशा माँ बाप ना करते रहते हैं। पहले माँ बाप करते हैं, फिर भाई करते हैं। तो कितना अजीब सा लगता है सोच के कि यार वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपना ना पूरा जी जान लगा देते हैं कि बेटी और बेटी की फैमिली, मतलब बेटी और बेटी के ससुराल वाले सब खुश रहें। और कितना अजीब सा लगता है, बार बार ना यही दिमाग में आता है कि यार हमेशा बेटियाँ ना लेती रहती हैं। जब भी मतलब बेटियाँ अगर मायके जा रही हैं तब भी वो बहुत कुछ ला ही रही हैं, अगर मायके वाले बेटी के पास मिलने आ रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं। तो हमेशा बेटियाँ, ऐसा सा लगता है बेटियाँ सिर्फ लेने के लिए होती हैं क्या? ये सोच के ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार बेटियाँ सिर्फ लेने के लिए होती हैं। और बेटियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, अगर भाई की शादी हो गई है तो भाभी के लिए और उनके बच्चों के लिए भी वो भी कुछ करे, क्योंकि दोनों साइड से अगर होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमेशा बेटियां लेती जा रही हैं, पेरेंट्स देते ही जा रहे हैं। वो लोग तो कभी थकेंगे ही नहीं, क्योंकि बेटी के माँ बाप कभी थकते ही नहीं। वो चाहते हैं हम जितना हो सके ना हम अपनी तरफ से दान करें बेटी को। मतलब बहुत अजीब सा लगता है यार, माँ बाप कैसे कैसे, अगर किसी पेरेंट्स पे नहीं भी होता फिर भी वो इधर उधर से मैनेज कर अपनी बेटी को खुश करने के लिए चीज़ें भेजते हैं। तो थोड़ा अजीब सा लगता है सोच के कभी कभी कि यार बेटियाँ सिर्फ लेने के लिए होती हैं क्या? बेटियों को भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है बेटियाँ नहीं करती हैं, करती हैं, और आज के टाइम पे बहुत सी बेटियाँ करती हैं। मेरे से भी जितना होता है मैं भी करती हूँ, बट ये वाली फीलिंग थोड़ी सी आती है मेरे मन में कि यार हमेशा जब देखो तब लेती हैं बेटियाँ, किसी भी फेस्टिवल पे जा रही हैं या ऐसे ही मिलने जा रही हैं तब भी कुछ ना कुछ लेकर ही आती, खाली हाथ कभी नहीं आती। थोड़ा अजीब लगता है। और जिन बेटियों के पास ऐसे फेस्टिवल्स नहीं आ पाते हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं, उनको भी थोड़ा सा ना उनको भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या पता क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। वरना हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनसे हो पाए ना वो उतना करें। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिनके भाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग हर्ट ना हो, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं, सब मैनेज नहीं कर पाते हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो यार ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करोगे, आप भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले वही हैं। और जितना आपसे हो सके ना उतना आप उनके लिए कीजिए, क्योंकि बेटा ना अपने पेरेंट्स को देख लेता है, पर कभी कभी मेरे को ऐसा सा लगता है कि जैसे बेटियाँ अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, जबकि उनके पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए, मतलब पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, पर बेटियाँ ना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और ना ही पेरेंट्स उनसे लेना सही समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं कुछ पाप सा हो जाएगा ऐसा अगर कर लेंगे तो। सो इसलिए वो लोग लेते भी नहीं जल्दी से कोई चीज़। बट भाइयों के लिए, भाभीयों के लिए और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में उनके लिए तो कर ही सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा फील आता है। और मेरी मम्मी कल से लगी पड़ी है घेवर बनाने में। मम्मी के पैरों में इतना पेन होता है, कमर में इतना पेन होता है, खड़े नहीं हो जाता ज़्यादा देर, फिर भी मम्मी खड़े घेवर बनाने में लगी पड़ी है। और घेवर बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर फिर भी मम्मी बनाने में लगी पड़ी थी। कल पूरा दिन मम्मी का गया, और अभी मैंने फ़ोन किया था मम्मी को तो अभी भी ना मम्मी की रबड़ी बन रही थी। मम्मी अभी भी कंटिन्यूसली उसमें लगी पड़ी है बनाने में। सो कितना अजीब सा लगता है कि माँ ना मतलब अपने बच्चों को खुश करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाती है, कितने एफर्ट्स डालती है अपने कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं, मेरे बच्चे खुश रहें। तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो देखते हैं मेरे मना करने के बाद भी मम्मी क्या क्या भेजती है। जो भी जैसा भी भेजेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जितना भी भेजेगी मेरे को तो बहुत, मतलब मेरे लिए वो
मैं हमेशा मम्मी से मतलब मुझे ये लगता है कि अगर फेस्टिवल के नाम पे अगर कुछ भेजा जा रहा है तो थोड़ा सा भेज दो जिससे जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो हो जाए। जरूरी नहीं है कि पूरा राशन पानी भरना है, सब कुछ करना है। देखते हैं कि मम्मी क्या भेजती है और मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, धुले हुए कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको अभी फोल्ड करके रखना है। कितना सारा काम पड़ा है, अभी इनको निकाल कर रखते हैं सोफे पर, फिर वहाँ बैठे बैठे फोल्ड करेंगे। ये छोटे छोटे कपड़े हैं ना, जैसे ये गुन्नू के छोटे छोटे, ये कहाँ घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये देखो, ये ऐसे पड़े रहते हैं ये आजकल, तो ये मास्क, इनको ढूंढो। तो चलिए पहले फोल्ड कर लेते हैं कपड़ों को, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्योंकि कल से सोच के रखा था कि मैं घेवर बनाऊंगी, बहुत अच्छे से मैंने सोचा था, घेवर की प्रॉपर वीडियो शूट करूंगी और पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी दिखाऊंगी कि घेवर कैसे बनता है। बट फिर मम्मी का फ़ोन आया कि मैं घेवर बना रही हूँ और कल दिव्यांश आएगा, तो फिर मैंने मम्मी को बताया मैं बनाने जा रही थी, तो एक ही भेज दियो, मैं अपने आप बना लूँगी। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं भेज रही हूँ और तू रक्षाबंधन पर बना लियो। तो फिर मम्मी भेज रही हैं और इसलिए मैं फिर लेज़ी मूड में आ गई। मैं मेरे पास और कुछ करने को है नहीं आज, बस ये कपड़े हैं जिन्हें मुझे फोल्ड करना है। ये देखो, एक झाड़ू लगाना, एक एक कपड़े रखना, ये दो काम मुझे इतने गंदे लगते हैं ना, इतने गंदे लगते हैं कि बस पूछो मत। मुझे झाड़ू से तो सख्त नफरत है, सख्त नफरत। क्योंकि झाड़ू वाले काम में ना पता है ये क्या होता है, ये जितने टॉय भरे पड़े ये पूरे घर में ऐसे फैले मिलते हैं, पूरे घर में ऐसे फैले मिलेंगे, मतलब पूरे घर में इतनी तबाही मची रहती है। तो इसलिए मुझे झाड़ू लगाने वाला काम सबसे गंदा लगता है, क्योंकि झाड़ू के साथ साथ ना सारी चीज़ें सेट करके रखनी पड़ती है अपनी अपनी जगह पे। तो वैसे देखो सारा घर सेट ही पड़ा है, सारा घर। वो तो मेरी घर में पहनने वाली स्लीपर है, चप्पल, बाकी देखो सारा काम सेट ही पड़ा है। पर मुझे फिर भी झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाते टाइम जो मेरे को आफत लगती है ना, बस पूछो मत, मैं उनमें से हूँ जो झाड़ू लगाने में जिनको डर लगता है। तो चलिए, ज़्यादा बातें हो गई आज और ज्ञान बांट दिया बहुत ज़्यादा मैंने। तो चलिए कपड़ों को फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हो गए आज। और ये आकर तबाही मचा रहा है कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, मामा को आने में टाइम लगेगा बेटा। मामा आपके लिए चिज्जी ला रहे हैं मामा। ये देखो बिद्दी, बिद्दी के लिए आ रहा है, अभी वो आ रहा है, उसका वेट नहीं हो रहा है इससे, और जब वो जाएगा ना ये तब भी रोएगा, जब बिद्दी छोड़ कर जाता है। तो आ रहे हैं ना बिद्दी, अभी टाइम लगेगा ना, मेट्रो मेट्रो में बैठे हैं पता है, मेट्रो मेट्रो वाले जो अंकल है ना बहुत धीरे धीरे मेट्रो चला रहे हैं, उन्हें थोड़ा तेज चला लें, बिद्दी मामा जल्दी आ जाएंगे। इतनी धीरे धीरे मेट्रो चला रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है मेट्रो वाले अंकल पे। अब जाएंगे ना मेट्रो में, तो मेट्रो वाले अंकल से बोल देना थोड़ा तेज चलाया करो, थोड़ा फास्ट चलाया करो, मुझे जल्दी जाना होता है, ठीक है। सो इसका ड्रामा ऐसे ही रहेगा अभी थोड़ी देर तक। क्या क्या दोबारा बताओ, क्या बोल रहे थे? बिंदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। आ रहे हैं तो बिंदी, इतना क्या मिस करना, आ ही तो रहे हैं। बिंदी के पास जाना है तो बिंदी आ रहे हैं ना आपको लेने, आप चले जाना बिंदी के साथ, ठीक है। चले जाओगे मम्मा को छोड़ के? हाँ। चले जाएगा क्या सच में? हाँ। अरे मम्मा की याद नहीं आएगी? हाँ। आएगी कि नहीं? आएगी। तो फिर कैसे चले जाओगे बिद्दी के पास? हाँ? जाना है? हाँ। ठीक है। क्यों रो रहे हो? अरे यार, इसका इसका ड्रामा अब जब तक वो जाएगा ना तब तक ऐसे ही चलेगा। अरे इतना क्यों रोना, क्या हुआ, हुआ क्या ये बता पहले, क्यों ड्रामे हो रहे हैं? तो बिंदी आ रहा है ना आपको लेने, तो आ तो रहे हैं बिंदी मामा को। फाइनली गुन्नू के मामा आने वाले हैं। आर यू हैप्पी? हाँ, ओहो इतना हैप्पी 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 और नॉट, पहले बताओ। हाँ बेटा, इतनी देर से नाक में दम कर रखा है, कितना भर के लाया है, कितना भारी है ये, हाँ कितना भारी है वो।
अरे आगे मामा देखिए मैंने भी जा बाथरूम में टॉवल वहाँ होगी। ये किसकी फेवरेट चॉकलेट है ये? इतनी सारी कितनी सारी भेज दी नानी ने। ये लोग यही वाली खाते हैं। थैंक यू तो बोल दे मामा को। थैंक यू मामा। एक चॉकलेट की वजह से ही जिद कर रहा था कि मामा कब आएंगे। वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। दाल चावल बनाए तूने? दाल चावल क्या है? फिर कहाँ से खिलाएगा? मम्मा बनाएंगी दाल चावल। आ गया मेरा भाई और इतना भारी। इसमें क्या इतना भारी वैसे है? क्या चावल वावल है क्या? कुछ चावल तो नहीं रख दी फिर से? इतना भारी क्या है सर? पत्थर जैसा। देखा कम से कम 10 किलो वजन है इसमें। 10 किलो इतना भारी उठ भी नहीं रहा था मैंने उठाया तो। हैंड वॉश करने गया है ये इसका अड्डा है। हाँ इसका गेट गुन्नू ने तोड़ दिया है। इसका गेट बचाने का गेट को खा हुआ पता नहीं गेट बंद गुन्नू ने तोड़ा है। मम्मी ने कितना भारी बैग करके भेजा 10 किलो वजन। इसमें है क्या देख लो। हेलो 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 हेलो। ये मेरी चूड़ियां ग्रीन ग्रीन चूड़ियां। इसमें इसमें चूड़ी है कांच की। हेलो हेलो हेलो। अरे आपकी मट्टी आ गई। मट्टी मट्टी गुन्नू ने बोला था ना मट्टी क्या होती है। मट्टी मट्टी। अरे ओहो कितनी खस्ता है तो। अब उधर चला जा। ये होती है गुन्नू मट्टी। मम्मी नहीं बनाएगी ना इसमें मीठी वाली। एक ही बार आ जाओ। इसमें क्या है? गरम गरम पकौड़े होंगे। अच्छा हाँ क्या खुशबू आ रही है। मैं पकौड़े को खाऊंगा। मस्त वाली पकौड़े को। ये सेवई इसमें है। मम्मी की मेहनत बहुत बड़ी वाली। नानी ने क्या बना के भेजा है इसके अंदर? हाँ इसके अंदर देखो क्या बनाया नानी ने। देखो देखो 1 2 3 टेन टेन। वाओ एकदम ऐसे लग रहा है खरीद के लाए हो। सबसे ऊपर वैसे ही रखा है जिसमें बड़ा छेद है। वाओ वाओ ये देखो डैडी के लिए मास्क। डैडी के मास्क सो गुल्लू के भी हैं। गुल्लू वीर के भी हैं। गुल्लू का है गुल्लू का पापा है। गुल्लू का भी है। वाह ये देखो विकास के लिए बच्चे भी हैं। ये देखो मेरी साड़ी। ओए कपड़े भी नहीं है। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मेरी पेटीकोट और ब्लाउज इसमें था मम्मी ने हटा दिया कि अभी भी इसी में। ये रही मेरी साड़ी। चुगा ये है गुन्नू वीर। और ये क्या व्हाट इज दिस? ओह टी-शर्ट होगी विकास के लिए। टी-शर्ट है ये मेरी है। टी-शर्ट सबके लिए कपड़े भेज दिए नानी ने तो। अच्छा आप समझ आए मम्मी बोल रही बीहू पे काली टी शर्ट अच्छी नहीं लगती होगी कि अच्छी लगती है तो इसलिए पूछ रही थी। ओहो हरी हरी चूड़ियाँ ये बाद में डालूंगी कहीं टूट जाए। देखो नानी ने मम्मा के लिए चूड़ी भेजी है जबकि मम्मा चूड़ी पहनती भी नहीं है। सब ग्रीन ग्रीन सब ग्रीन ग्रीन। बाप रे बाप मेहंदी
मेहंदी में मंगाने वाली थी ग्रीन रबर बैंड। वाओ ग्रीन लिपस्टिक भी ग्रीन और बिंदी भी चूड़ियाँ भी ग्रीन ग्रीन। तो पैसे भी निकले हैं 200 रुपये। वो तो कुछ कम रह गया हो तो मैं अपने आप खरीद लूँ। हद है। अभी तो इसमें राशन पानी नहीं है, चावल दालें और पता नहीं क्या क्या वो नहीं है इसमें। तो अभी मैंने ना 10 किलो चावल ये किसको दिए थे, ये जो कूड़ा वूड़ा लेने आते हैं ना इनको दिए थे मैंने वो 10 किलो चावल रखे। इन्हें कितने सब कुछ अपने हाथ से बना के गए थे भेजा। ये मूंग दाल के बड़े, ये मिक्स बड़े घेवर और ये मट्ठियाँ, ये गुन्नू के लिए स्पेशली और ये मीठी मट्ठियाँ सब मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है। शकल ऐसी ठीक आती है, अभी स्कूल से आए हो ना, अभी सच धज के पढ़ेंगे। डैडी उसके टीचर है तो सारे रिजल्ट वही देख लेंगे। क्या लेके आऊं? कुछ नहीं लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आ रहा हूं। अरे नहीं पी रहा मैं। तू कौन सी ड्यू पीता? ड्यू कौन सी पीता है? मैं नहीं पीता ना। ऐसे सर की मारता है, ऐसे खड़ा होता है इधर मुंह करके, हाथ ऐसे रखता है आगे रखे, ठीक है? फिर ये यूं होता है, यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर यहां पे रखता है। ऐसे नहीं मारते, ये ऐसे उसकी टांग से ज्यादा वो खुद उछल रहा है। ऐसे होता है, ये कर पाएगा तुम दोनों ज्यादा। ये पानी है, ये पानी है। ये दिल्ली में तो आ गए, दिल्ली में आ गए, दो दिल्ली में तो पक्का आ गया। परसों नरसों देखा था मैंने, ऐसी स्किन हो गया, ये सड़ी सड़ी बबल से, हां वाइट वाइट से। और विधि मामा जा रहे हैं, अब आप रहोगी कि नहीं? हां तू तो बोल रहा था मैं जा रहा हूँ मामा के साथ, नहीं जा रहे आप? नहीं जा रहे। मामा के साथ जाना है? नानी के पास जाना है? हाँ। नहीं ले जाएंगे आपको क्योंकि आप गंदे बच्चे हो। हाँ अगली बार आऊंगा तब खेलूंगा, तब खेलूंगा, ठीक है? ले लेगा। अब पैसे पैसे की भी कमी रह गई। अभी से फिर ले जाऊंगा। चल रहा है, बता वहां तक चल रहा हूं। तेरी पानी की बोतल है उसमें। अरे कंधे पे टांग ले, स्मार्ट लगेगा। हम्म, देसी लगेगा एकदम देसी। टांग तो सही ऐसे मार का भी नहीं है। अरे मैं अभी मामा को छोड़, मजे शिवा की तरह कहीं छोड़ जा रास्ते में ही। हां ठीक है, मैं कर दूं मामा को बाय। हट ले जाओ इसे, वरना 1 घंटे रोएगा ये। तेरे लिए रोता है ये, तेरे लिए रोता है बस। बाय कर दो मामा को। नहीं आप नहीं जा रहे, इधर आओ गुन्नू। हाँ बाय कर दो। बाय बाय बाय। सो मेरा भाई जा चुका है, वो 1 बजे आया था और अभी बज रहे हैं 4:30। अभी निकल गया है वो, क्योंकि जाने में लगता है 1.5 घंटा या 2 घंटा, मतलब मिनिमम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, पर अगर ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो 2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए अभी निकल गया है वो, क्योंकि उसे टाइकोंडो क्लास भी जाना है, उसे मिस नहीं करनी होती कभी भी। सो इसलिए जल्दी निकल गया है, और अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही हैं, ऐसे में ही निकल गया वो। दिव्यांश अभी अभी निकल के गया है, और बारिश इतनी ज़ोर से हो गई, पता नहीं भीग ना जाए। मेट्रो तक भी पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, क्योंकि मेट्रो तक जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेट्रो में पहुंचने वाला है और वो भीगा तो नहीं है, सेफली पहुंच गया, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा मेट्रो में पहुंचने में, और वो भीगा नहीं है। अच्छा है कि भीगा नहीं है, वरना बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है आज। बारिश को भी आज ही आना था। ये आपकी टी शर्ट फुल बाजू की, फुल पहनते हो ना? ये गुन्नू का है। कौन सा, ये वाला कि वाला, बता दो। और ये बीजू का है। अरे बीजू, बीजू का है भैया का, बीजू का। Hey guys, so अभी मेरा भाई जा चुका है और निकल चुका है मतलब, और आज ही बारिश आनी थी। इतने दिन से बारिश नहीं आ रही थी, आज ही बारिश आनी थी, और इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है ना, बहुत ज़ोर से। बट वो अभी मेट्रो में बैठा हुआ है, और अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं अभी, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे इतना ट्रैफिक हो जाता है हमारे वहाँ, इतना ट्रैफिक हो जाता है ना, बहुत भयंकर वाला। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचता है। और आपने देखा कि मेरी मम्मी ने कितना कुछ भेज दिया मेरे मना करने के बाद भी। मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं है कि मम्मी के यहाँ से ना, मतलब
मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मम्मी हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करती है। इतना हम लोग नहीं कर पाते, बेटियाँ नहीं कर पाती अपनी मम्मी के लिए जितना मम्मी पापा अपनी बेटियों के लिए, भाई अपनी बहनों के लिए करते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छा लगता है, और बेटियाँ भी अपने माँ बाप के लिए करें, और पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे मैं इतना मेरे से बन पाता है, मैं भी करती हूँ अपने भाइयों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, बट फिर भी मुझे अजीब लगता है कि ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप सबको तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं, आपकी तीज भी मंगलमय रहे। सो इसी कामना के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना टाटा, गुड बाय, बाय बाय टाटा, गुड बाय, बाय बाय टाटा, गुड बाय। सो बाय गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।